dogs out? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल ठाकुर केनल पे। दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिसके आपको आगे के वीडियोस की जानकारी मिलती रहेगी। दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज का जो मैं टॉपिक कवर करने वाला हूँ, मैं कई दिनों से देख रहा हूँ कि YouTube पे फीड ऑफ की बात चल रही है। इस वीडियो में मेरा टारगेट कोई नहीं है कि आप एक दो यूट्यूबर हैं जो इस बारे में डॉग के बारे में वीडियो डाल रहे हैं फ्री में डॉग की, तो मेरा उन लोग के प्रति कोई टारगेट नहीं कि मैं उन लोग के लिए कुछ बोला। मैं आपको सिर्फ उस चीज़ की हकीकत बताना चाहता हूँ कि फ्री डॉग पाना कितना कठिन होता है। जी हाँ, तो सबसे पहले जब भी कोई भी, जैसे कि मेरा डॉग का बिजनेस है तो मैंने भी जब स्टार्ट किया था तो कोई भी स्टार्ट करता है तो सबसे पहले दिक्कत आती है मनी प्रॉब्लम। तो मेरे पास में पर्सनली थी, घर में नहीं थी, हालांकि मुझे दिक्कत थी क्योंकि मुझे पेट चाहिए था। तो मैंने शुरुआत में कई जगह मैंने कोशिश की कि मुझे फ्री में मिल जाए। लेकिन फ्री में असलियत ये होती है कि फ्री में जब भी आपको, पहली चीज़ तो ये कि जो भी आपको डॉग ब्रीड मिलेगी वो कोई भी आपको देगा, सबसे पहली चीज़ तो वो तो कहीं से फ्री से लाया नहीं होगा। फ्री में लाया होगा तो अलग बात है। अब आज की बात करते हैं तो आजकल जो ज़्यादातर डॉग्स हैं वो पैसे से मिलते हैं, आपको खरीदने पड़ते हैं। तो आपको ये मानिए कि कोई भी सस्ती से सस्ती ब्रीड भी 3-4 हज़ार 5 हज़ार रुपये की होगी। एक बार आपको स्पिट्स वगैरह भले ही मिल जाएगा फ्री में, लेकिन आप सोचो कि आपको लैब्राडोर, जर्मन शेफर्ड, रॉटवीलर, डॉबरमैन ये मिल जाए तो ये काफ़ी मुश्किल चीज़ है। हाँ, मिल भी सकता है आपको, ये इस कंडीशन में मिल सकता है कि जब आपका जो डॉग है जहाँ से आप ले रहे हो तो वहाँ पर वो दिक्कत कर रहे हो, जैसे कि लैब हो या जर्मन हो या कोई भी ब्रीड हो, अगर वो एग्रेसिव हो, जी हाँ, अगर वो एग्रेसिव हो, काटता हो बच्चों को, काटता हो या इस टाइप का हो, तब वो डोनेट करना, क्योंकि जो डॉग होता है वो एक फैमिली मेम्बर की तरह होता है। आप खुद सोचिए कि जब तक कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी तब तक एक आदमी अपना पेट एक जगह से दूसरी जगह नहीं हटाएगा, वो भी फ्री में। जी हाँ, हम लोग ब्रीडर की बात करें तो ब्रीडर से फ्री में मिलने के चांसेस इस वजह से हैं क्योंकि हम लोग जो है फीमेल दे देते हैं, फिर वो बच्चे का सिस्टम कर लेते हैं, मेल में करते हैं कि मेल में मैटिंग आएगी तो ये तुम्हारा ये मेरा, तो इस कंडीशन में आपको फ्री में मिल सकता है और हो सकता है कि वो अच्छा हो। बाकी मैंने एक पूरी वीडियो बना रखी है कि सस्ते में डॉग कैसे लें या फ्री में डॉग कैसे पाएं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे वो लिंक दे रखी है मैंने, आप वहाँ चेक कर सकते हैं। बाकी फ्री में डॉग मिलना मेरे हिसाब से तो काफ़ी मुश्किल काम है। ठीक है, मिलेगा भी तो उसमें कुछ ना कुछ कमी होगी, ठीक है, या फिर आपको स्ट्रीट डॉग अडॉप्ट करना है तो आप स्ट्रीट डॉग अडॉप्ट कर सकते हैं बचपन से, जी हाँ। लेकिन अब आप बड़ा डॉग लेने की सोचो कि जो फ्री में मिल रहा है, अगर आप फीमेल लेते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो फीमेल बच्चे नहीं दे पा रही है। जी हाँ, वो फीमेल बच्चे नहीं दे रही है तभी वो दे रहा है आपको, या आपको हटा रहा है, उसके बच्चे हो रहे हैं और बच्चे मर जा रहे हैं, तो इस कंडीशन में आपको फ्री में मिल सकती है। और फ्री में मिलने के एक दो कंडीशन और हैं। हाँ, ज़रूरी नहीं, ये मैं आपको जो मैंने आपको बात बताई है ये बिल्कुल से मैं ये नहीं करूँ कि 100% सही है, मेरे हिसाब से ये 90% मेरी बात सही, क्योंकि 10% चांसेस है कि हाँ फैमिली प्रॉब्लम की वजह से, ट्रैवल की वजह से, आप केयर ना हो पाने की वजह से ये काफ़ी कम होता है। क्योंकि आमतौर पर जब ऐसी कंडीशंस होती हैं तो लोग किसी आपस में देना पसंद करते हैं या फिर उसके अलावा बेचना पसंद करते हैं, लेकिन किसी अनजान आदमी को फ्री में देना पसंद नहीं करते। अब बात रही ये जो पेटा वगैरह है, एनजीओ वगैरह, यहाँ से जो आपको डॉग मिलते हैं, मैं जैसे कि मैंने बताया इनमें से कुछ ना कुछ कमियाँ होती हैं कि अच्छे डॉग वो लोग खुद रख लेते हैं, ठीक है, और इसके अलावा वहाँ पर आपको ज़्यादातर देखने को जो मिलेगा वो इंडियन परिया, जी हाँ, जो इंडियन डॉग ब्रीड है, मतलब स्ट्रीट डॉग हैं, वो आपको मिल पाएंगे एडॉप्शन के लिए। तो और बाकी आप सोचो कि आप फ्री में लैब्राडोर मिल जाए आपको, वो नहीं मिल पाएगा, जर्मन शेफर्ड वगैरह कुछ नहीं मिल पाएगा आपको, क्योंकि भैया जाहिर सी बात है कि कोई खरीद के लाता है 8-10 हज़ार 15 हज़ार 20 हज़ार और ऐसे ही कोई नहीं दे देता है। तो मेरा बस इस वीडियो का मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, मैं इस लाइन में हूँ, मुझे इस लाइन की हकीकत पता है, तो बस वही चीज़ मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ कि फ्री में डॉग पाना आसान काम नहीं है। बाकी अगर फ्री में डॉग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन पे बॉक्स है, वो भी फ्री में नहीं है, मैंने कुछ कंडीशंस हैं, आप देख सकते हैं कि आपको डॉग किस टाइप से मिल सकता है, सस्ते से सस्ता और अच्छे से अच्छा। और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। वीडियो पसंद आई हो, बात अच्छी लगी हो तो लाइक करिए वीडियो, और चैनल और वीडियो दोनों शेयर करिए अगर अच्छा लग रहा हो तो।